पेरिस से आपका एक बार फिर स्वागत है। ओलंपिक खेल जो हैं जोरों शोरों से यहाँ पर चल रहे हैं, भारतीय खिलाड़ी भी अपना अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे हैं, एक मेडल तो आ चुका है, हो सकता है और भी मेडल आए। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूँगा मेरे एक पसंदीदा खेल के बारे में जो है हॉकी, और इस बार हॉकी का कैंपेन कैसा जा रहा है। देखिए, पिछली बार मुझे पूरा यकीन था ओलंपिक जब शुरू हुए थे उससे पहले कि भारतीय टीम जो है हॉकी की टीम वो मेडल लेके आएगी। इस बार इतना यकीन नहीं था मुझे कि इंडियन टीम जीत के लाएगी। बहरहाल प्रदर्शन उन्होंने अच्छा किया है, और जब यकीन ज़्यादा नहीं था इसका मतलब ये नहीं था कि कोई चांस नहीं है मेडल का, चांस बिल्कुल है, लेकिन जितना चांस पिछली बार लग रहा था शायद उतना चांस मुझे इस बार नहीं लगा। बहरहाल बात करते हैं कि आज जो उनका मुकाबला हुआ यहाँ पर अर्जेंटीना के खिलाफ 1-1 ड्रॉ हुआ है, तो भारत के इस वक्त चांस क्या बन रहे हैं आगे यानी कि क्वार्टर फाइनल में जाने के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इंडिया का जो ग्रुप है आपको पता है थोड़ा सा टफ ग्रुप है, वहाँ पर मल्टीपल टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर बेल्जियम की टीम है जो पिछली बार फाइनल में हार गई थी, माफ़ कीजिएगा, पिछली बार तो चैम्पियन रही थी ओलंपिक्स में, उससे पहले जो रियो में हुआ था 16 में उसमें फ़ाइनल में वो बड़े करीबी मुकाबले में अर्जेंटीना से आ रहे थे फाइनल में, तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त टीम है। तो दो टीमें तो ऐसी हैं जो इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भारत से ऊपर थी। उसके बाद भारत के इर्द गिर्द वाली यानी भारत के लेवल वाली दो और टीमें थी, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड, जो बहुत ही टफ मुकाबले हो सकते थे, ट्रिकी मुकाबले भारत के लिए हो सकते थे। तो कुल 5 टीमें ये हो गई। छठी टीम जो ग्रुप की थी वो थोड़ी हल्की टीम थी, आयरलैंड। तो लोगों ने उम्मीद कर दी कि देखिए आयरलैंड तो सबसे नीचे फिनिश होगा, आपको टॉप 4 में फिनिश करना है क्वार्टर फाइनल के लिए, आयरलैंड तो सबसे नीचे फिनिश होगा, लड़ाई होगी बाकी 5 टीमों में से कि कौन जाएगा टॉप 4 में। उसमें भी ज़्यादातर लोगों ने ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम को तो मान ही लिया टॉप 4 में होंगे। अब लड़ाई थी अर्जेंटीना न्यूजीलैंड और भारत के बीच, इन तीनों में से दो टीमें कौन सी आती हैं क्वार्टर फाइनल के लिए, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी। और फिर इंडिया का जो ड्रॉ है कुछ वैसा ही आया, शुरुआत में ही आपके जो वो अंग्रेज़ी में कहते हैं बनाना पील गेम, जो थोड़ी टफ हो सकती थी, उन्हीं के खिलाफ आपके शुरुआत में ही मुकाबले होते हैं जिसमें आप सबसे पहले खेलते हैं अर्जेंटीना के साथ, जो एक हमें माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले आप खेलते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ जो एक ऐसी टीम है कई बार आपको परेशान करती है, लेकिन वो जीत बहुत अहम है भारत के लिए, वो जो मुकाबला उन्होंने जीता बहुत अहम है, क्योंकि जब आप वो 3-2 से जीतते हैं तो वो जो मैं कह रहा था ना 3 टीमों के बीच शायद टक्कर हो सकती थी, तो आप एक कदम आगे चले जाते हैं। फिर आपका अगला मुकाबला अर्जेंटीना के खिलाफ, वो भी अब आप 1-1 से बराबरी कर जाते हैं, तो अब मुझे लगता है भारतीय टीम एक अच्छी खासी स्थिति में है कि क्वार्टर फाइनल तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए। अगला मुकाबला आपका आयरलैंड के खिलाफ है, और हालांकि आयरलैंड को सब हल्के में ले रहे थे, अभी तक वो 2 मैचेस खेले दोनों हार गए हैं, लेकिन उनके दोनों मैच ग्रुप की सबसे टफ टीमों के खिलाफ आए हैं। बेल्जियम से वो 2-0 से हारे, जो इतना बड़ा मार्जिन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से तो बहुत क्लोज मार्जिन था, मेरे ख्याल से 1-0 से हारे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो यानी कि ये आयरलैंड की टीम भी टक्कर दे सकती है। तो जो एक समय लग रहा था भारत के लिए काफ़ी आसान मैच होगा, अब होगा नहीं, वो मुकाबला कल खेला जाना है, लेकिन अगर भारत वो मुकाबला जीत जाता है तो आप लगभग मानिए क्वार्टर फाइनल में तो उनको पहुंच जाना चाहिए, अगर वो मान भी लें कि आप ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम से आगे जाके हारते हैं। हालांकि ये तय नहीं है कि उनसे हारेंगे, इसके पीछे क्या कारण है उसको मैं आगे बताऊँगा। सबसे पहले थोड़ी टीम के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक जो न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना के खिलाफ मैचेस हुए, नतीजे तो ठीक है, खुश होंगे आप, लेकिन जिस तरह की हॉकी की आप उम्मीद कर रहे थे भारतीय टीम से, शायद वैसी हॉकी अभी तक आपको दिखी नहीं है। वो इसलिए नहीं दिखी है क्योंकि पोजेशन आपने रखा, लेकिन जितने आपके पास चांसेस आए आप उनको कन्वर्ट करने में नाकामयाब रहे। लेकिन एक अगर पॉजिटिव है तो वो ये है कि अक्सर, मतलब मुझे तो याद आता है आप सिडनी ओलंपिक्स ले लिए, उसके बाद भी ले लीजिए एथेंस ओलंपिक्स भी ले लीजिए, आपका क्या होता था, आपकी परेशानी यही होती थी कि आखिरी लम्हों में आप गोल कंसीड कर देते थे। पोलैंड के खिलाफ आपने गोल, वो लोग भूलेंगे नहीं, कंसीड किया, आपके पास अच्छा खासा मौका था सेमीफाइनल में पहुंचने का, आपने वो गवा दिया। तो उसके बाद भी कई सालों तक यही रहा कि आप आखिरी एन मौके पर आप कंसीड कर जाते थे, लेकिन वो चीज़ अब एकदम उलट होती हुई नज़र आई है। इस बार जो हमने देखा है बिल्कुल नतीजा उल्टा हुआ है, जहां इंडिया ने आखिरी लम्हों में कुछ गोल किए हैं। अगर आप देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत कांटे की टक्कर थी, आप 3-2 से जीतते हैं, आखिरी लम्हों में भारत ने गोल किया, गोल खाया नहीं। उसके बाद आप दूसरा मुकाबला देखिए जो अर्जेंटीना के खिलाफ, आप पूरे मैच में पीछे थे, 2 मिनट रह गए हैं, 1.5 मिनट रह गया है,
क्लॉक में और आप स्कोर करते हैं और बराबरी पे ले आते हैं और एक अंक वहाँ से हासिल कर लेते हैं। तो ये एक पॉजिटिव है इस भारतीय टीम के साथ कि आखिरी लम्हों में गोल खा नहीं रहे, गोल कर रहे हैं। दूसरा पॉजिटिव है, अब आप उसको किसी भी तरह से देखिए कि देखिए दोनों बार आपको बचाया, आपके कप्तान हैं हरमनप्रीत, उन्होंने दोनों बार आपको बचाया, पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट है, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन उसका नेगेटिव ये है अगर आप देखें कि पेनल्टी कॉर्नर जो कन्वर्जन है भारत का वो अच्छा नहीं रहा है। आप ये वाला जो मैच हुआ है अर्जेंटीना के खिलाफ, आपको 9 पेनल्टी कॉर्नर मिले और आप एक ही गोल कर पाए, तो वो एक अच्छा कन्वर्जन रेट नहीं है, इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि कुछ समय पहले, मतलब 12 महीने पहले आपकी परेशानी थी कि भाई पेनल्टी कॉर्नर से गोल हो रहे थे, फील्ड गोल नहीं हो रहे थे। फिर अब कुछ महीने बाद आपने फील्ड गोल कन्वर्जन अच्छी कर ली, पेनल्टी कॉर्नर से गोल नहीं हो रहे थे। अब आप ओलंपिक्स में आए हैं, कुछ हद तक आपके पेनल्टी कॉर्नर से आ रहे हैं बट कन्वर्जन नहीं हो रहा, फील्ड गोल्स भी इतने नहीं आ रहे, तो इस तरह की कुछ परेशानियाँ हैं। लेकिन आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन नहीं है ना पेनल्टी कॉर्नर के लिए लेके, वो थोड़ी परेशानी है। देखिए बाकी टीमों के पास क्या होता है, एक ही लेवल के 2-3 पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट्स होते हैं। तो अगर कोई, क्योंकि आपको पता है हॉकी में बड़ी तेज़ रोलिंग सब्स्टिट्यूशन होता है, तो अगर आप बाहर भी हैं तो आपके पास बराबर के पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट है, तो आप पूरी तरह गेम में बने रहते हैं। भारत के साथ परेशानी क्या है, हरमनप्रीत बहुत ही शानदार पेनल्टी कॉर्नर टेकर है, लेकिन जो आपके जो बैकअप है संदीप और अभिषेक में, जिन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ भी कुछ पेनल्टी कॉर्नर आजमाए, कन्वर्ट नहीं कर पाए, वो अच्छे हैं लेकिन उस लेवल के नहीं है जिस तरह से हरमनप्रीत है। और आई थिंक ये सबसे बड़ी एक परेशानी इस वक्त भारतीय टीम की है जिस तरह से मैच चल रहा है। देखिए मेरे एक दोस्त आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वो मेरे लिए रेड बुल लेके आए हैं। मेरी अभी इनसे मुलाकात हुई है, यहाँ पर काम करते हैं, तो देखिए उन्हें लगा काफ़ी देर से काम कर रहा लड़का, तो वो एक रेड बुल ला के उन्होंने मुझे दिए। लेकिन रेड बुल की थोड़ी ज़रूरत होगी भारत को भी, रेड बुल नहीं मतलब एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी जब वो ऑस्ट्रेलिया और आगे जाकर बेल्जियम से खेलेंगे। लेकिन इस वक्त भारतीय टीम थोड़ी अच्छी स्थिति में है, थोड़ा फील कर रही होगी कि ठीक है रिलैक्स है, 2 टफ मुकाबले जो हैं वो अब हमारे पीछे जा चुके हैं। तो ये इस वक्त स्थिति है भारतीय टीम की। क्वार्टर फाइनल में देखिए अगर आप पहुंचते हैं, आपका मुकाबला जर्मनी या हॉलैंड से होगा। इसमें मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप फोर्थ फिनिश करते हैं, जो इस वक्त लग रहा है भारतीय टीम मतलब क्वार्टर फाइनल में तो क्वालिफाई करेगी, लेकिन अगर आप फोर्थ फिनिश करते हैं तो आपका मुकाबला होगा हॉलैंड के साथ, और इस वक्त हॉलैंड की टीम बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रही है, वो टॉप करेगी दूसरा ग्रुप अभी तक, ऐसा अनुमान आप लगा सकते हैं। सेकेंड प्लेस पर लगता है जर्मनी आएगी, और जर्मनी इस वक्त थोड़ी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं पा रही है, थोड़े हिकअप्स उनके अभी आ गए हैं, ये 2 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं। तो जर्मनी को आप फिर भी फॉर्म के मुताबिक आप मार सकते हैं, और जर्मनी आपको तब मिल सकती है अगर आप तीसरे पायदान पर माफ़ कीजिएगा, अगर आप दूसरे पायदान की तरफ अगर जाते हैं, तीसरे पे भी नहीं, तीसरे पे आपको जर्मनी से मुकाबला होगा, तीसरे पे ख़त्म होते तो आप जर्मनी लेंगे, वो फिर भी काफ़ी हद तक अच्छा होगा भारतीय टीम के लिए। मुझे लगता है आप हरा सकते हो उनको क्वार्टर फाइनल में। बस चौथा पायदान अगर आप अवॉइड करें, उसके लिए क्या है, आपको आयरलैंड को हराना होगा एक तो वो है, और फिर उम्मीद करनी होगी कि अगर ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम में से आप एक हरा दें एक टीम को तो बहुत शानदार है, पर अगर आप ड्रॉ भी इधर उधर निकाल लेते हैं तो शायद आप तीसरे पायदान पर ख़त्म कर सकते हैं, और वो आगे जाके आपको क्वार्टर फाइनल में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो फिर सेमीफाइनल तक का रास्ता साफ हो सकता है। तो ये है इस वक्त भारतीय टीम का लेखा जोखा, जो उनका प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन मैं इनको पॉजिटिव तरह से देख रहा हूँ दोनों रिजल्ट। अब आपका लगभग क्वार्टर फाइनल तय है, कहाँ फिनिश करोगे वो अब थोड़ा अहम हो जाता है, चौथे के बजाय आप कहीं और जाए ना 3-2-1 तो फिर सेमीफाइनल तक ये टीम को जाना चाहिए। बहरहाल हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे, टीम का प्रोग्रेशन कैसा है, कहाँ तक वो आगे जाते हैं, आप स्पोर्ट्स तक के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, निखिल नाज पेरिस से, बाय बाय।